Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma from Mindful Journey. Welcome you all. Today I am giving you a tarot reading regarding Are you feeling hurt? क्या आप वो दुखी उदास हो या किसी व्यक्ति की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से या किसी मतलब ये कुछ भी हो सकता है, आपका कोई रिलेशन हो सकता है या आपकी कोई जीवन की परिस्थिति ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप हर्ट या दुखी महसूस कर रहे हो इस वक्त। हो सकता है ये आप कोवर्कर के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने किड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, बेसिकली किसी भी वजह से अगर आप दुखी हो और आप उदास हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये हर्टिंग सिचुएशन मेरे साथ क्यों बनी, और आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि मेरी क्या गलती थी, मैंने सब कुछ ठीक किया फिर भी मेरे साथ कुछ ठीक क्यों नहीं हुआ, इस तरह की अगर किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आप हो तो मैं ये रीडिंग उन लोगों के लिए देना चाहती हूँ जो इस वक्त इस तरह की एनर्जी में है, क्योंकि टैरो रीडिंग जो है वो आपकी एनर्जी को चेक करती है। तो मैं अभी फिलहाल उन लोगों की एनर्जी में टैप करना चाहती हूँ जो इस तरह की मेंटल सिचुएशन में है कि दे आर फीलिंग हर्ट, उनको हर्ट फील हो रहा है किसी न किसी सिचुएशन, किसी न किसी व्यक्ति की वजह से उनको हर्ट फील हो रहा है। और लेट्स सी कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति ही सिचुएशन तो व्यक्ति ही बनाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने आपके साथ हर्टिंग बिहेवियर क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी, क्योंकि हो सकता है कि उनकी मेंटल कंडीशन आपको नहीं पता हो कि उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो लेट्स हम एनर्जी चेक लेके देखते हैं कि आप जिस भी वजह से हर्ट फील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति की क्या मानसिक स्थिति थी और उसकी क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से उसने आपको हर्ट किया, और आपको हर्ट करने के बाद क्या उस व्यक्ति को उसका कोई पछतावा भी है, या उसको क्या इस चीज़ का एहसास है कि उसने आपको हर्ट किया है, या इस सिचुएशन में कुछ सुधार होने की संभावना है क्या। इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर विचार दिमाग में रखते हुए इन एनर्जीज को हम टैप करने की कोशिश करते हैं। लेट्स चेक आउट कि क्या सामने आता है। स्पिरिट, एंजल्स, माय वेशोर्स, असेंडेड मास्टर्स, एवरी पॉजिटिव एनर्जी गाइडिंग राइट नाउ me in this situation, please give me right messages, correct messages for the people who are feeling hurt, who are sad, who are feeling hurt and want to know why this happened to them, what was the reasons behind the situation that came out. Please give me right messages, please give me right correct guidance, please give me right messages, spirit please give me right messages, universe, spirit, ascended masters, angel, visions, please give me right messages for this situation, please give me right messages for this situation. This was the first round. Give me a second for arranging these cards. The last card in my hand is the star. जिस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है दो चीजें हैं, एक या तो ये है ना पब्लिक फिगर है, पब्लिक फिगर मतलब ही इज द स्टार इन द आईज ऑफ पब्लिक,
ये किसी तरह की कोई पॉपुलर व्यक्ति हो सकता है या ऐसा पब्लिक फिगर हो सकता है जो लोगों की नजर में, या इसका जो वर्क है वो ऐसा हो कि लोगों से ज्यादा लोगों से डील करना और लोगों की नजर में ये एक स्टार है, लोगों की नजर में ये एक हीरो है, वन थिंग। अगर इस तरह की किसी व्यक्ति से आप डील कर रहे हो तो ये इंडिकेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। दूसरा चीज, ये व्यक्ति आपको स्टार की तरह देखता है, मतलब ये व्यक्ति आपको बहुत रेस्पेक्टफुल नजर में या बहुत हाई वैल्यू पर्सन की तरह देखता है, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल। ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अगर ये स्टार है या ये किसी हाई लेवल पर तो ये आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता, या जो भी सिचुएशन बिगड़ी है वो इस वजह से नहीं बिगड़ी। दिस दिस पर्सन रेस्पेक्ट्स यू अलॉट, दिस पर्सन सीज यू लाइक अ स्टार, दिस पर्सन सीज यू लाइक अ हाई वैल्यू पर्सन। ओके, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। नेक्स्ट थिंग इज दिस, जो कुछ भी स्थितियां बनी ना उसकी वजह थी डिवाइन टाइमिंग। आप क्योंकि इसमें मुझे जहां तक लगता है दोनों ही पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिसने हर्ट किया है और जो हर्ट हुआ है, दोनों की ही एक्चुअली देखा जाए तो इसमें गलती नहीं है, यानी दोनों का इंटेंशन रॉन्ग नहीं था। नहीं हर्ट करने वाले व्यक्ति का आपके प्रति इंटेंशन रॉन्ग था कि वो आपको हर्ट करे, और नहीं आपका ऐसा कोई इंटेंशन था कि आपका और दोनों का एक दूसरे के प्रति जो इंटेंशन था ना वो गुड इंटेंशन था, लेकिन डिवाइन टाइमिंग ने यहाँ काम किया। यानी जिस परिस्थिति में आप मिले और जिस तरह की लाइफ सिचुएशंस आपकी थी करंटली उस वक्त जब आप मिले या जब ये घटना घटित हुई, उस वक्त में समय ही अनुकूल नहीं था आप लोगों के लिए, समय अनुकूल नहीं था। तो अगर ऐसा कोई परिस्थिति में आप हो तो डेफिनेटली इस रीडिंग में आपको कुछ ना कुछ जरूर इंसाइट मिलेगी। ठीक है, अब आगे और देखते। वैसे इस कार्ड में और भी मैसेजेस है लेकिन ओपनिंग मैसेज इसका यही है। देखिए ये जो फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इस ये स्थिति जैसा मैंने आपको बोला ना, दोनों ही व्यक्ति इसके अंदर, आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर आप दुखी हो या आप हर्ट हो, पर जहां तक ये तो आपकी फीलिंग तो दिखी रही है अगर ये आप हो, कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने बिना वजह के आपको रिजेक्ट कर दिया है, आउटराइट आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, ऐसा आपको तो फील हो ही रहा है, लेकिन ऐसा सिर्फ आपको फील हो रहा है क्योंकि इस कार्ड में दो व्यक्ति हैं। मतलब वेदर आप चाहे आप दोनों मेल हो फीमेल हो, मेल फीमेल वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन दो लोग जो इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है ना, दोनों ही ऐसा ही फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ये फील कर रहे हो कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, आपको लेफ्ट आउट कर दिया गया लाइफ से, या आपको कट आउट कर दिया गया। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिसको आपको ऐसा लगता है कि उसने आपको हर्ट किया, वो भी सेम इसी फीलिंग में है कि उसने आपको, मतलब आपने उसको हर्ट किया और आपने उसको अपनी लाइफ से कट आउट किया है, ऐसा ये म्यूचुअल है। मतलब ये कार्ड और ये कार्ड दोनों ही बता रहे हैं कि आप दोनों की जो भी फीलिंग्स हैं, जो आप उनके लिए फील कर रहे हो, वो आपके लिए फील कर रहे हैं। और ये लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली जो फीलिंग है ना, हर्टफुल फीलिंग है, सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, ये दोनों म्यूचुअल है ये फीलिंग। और ये भी कार्ड फिर वही बता रहा है, ये कार्ड भी द लवर्स कार्ड, मतलब ये जो कनेक्शन है इट इज अ म्यूचुअल कनेक्शन। सिर्फ आपको ही फील हुआ इसकी इंटेंसिटी, ऐसा नहीं है, दोनों पर्सन की इंटेंसिटी सेम है, दोनों का हर्ट सेम है, दोनों का पेन सेम है, और इस कनेक्शन के ऊपर डिवाइन काम कर रहा है। इस कनेक्शन को प्रोटेक्शन भी मिला हुआ और इस कनेक्शन पर डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है। तो इस कनेक्शन का पर्पज कुछ हायर पर्पज है क्योंकि इसमें डिवाइन प्रोटेक्शन, क्योंकि ये स्टार कार्ड भी आया है यहाँ पर। स्टार कार्ड का मतलब ही होता है कि रिलेटेड टू स्टार्स, मींस रिलेटेड टू डिवाइन, और यहाँ पर भी एंजल बना हुआ है। मतलब आप जो इस कनेक्शन को थोड़ा लाइटली ले रहे हो या ऐसा आपको लग रहा हो, ये कनेक्शन जितना आप सोच रहे हो ना उससे ज्यादा ज्यादा डीप, ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शन है, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है और इसको डिवाइन प्रोटेक्शन है, और इसमें आपकी इच्छा नहीं, इसमें डिवाइन की इच्छा और डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है, ऐसा मुझे फील होता है। देन क्वीन ऑफ कप्स, ऑब्वियसली ये क्वीन ऑफ कप्स का मतलब यहाँ जो हर्टफुल फीलिंग हुई है ऑब्वियसली इमोशंस के ऊपर आपको अटैक हुआ है ना, यानी इसमें से एक पर्सन तो जो था वो जो क्वीन ऑफ कप्स है ये, यहाँ पर ये क्वीन ऑफ कप्स जो है ना, ये ज्यादा इमोशनल पर्सन है इस रिलेशनशिप में, जिसको ऐसा लग रहा है या
जो वॉच कर रहा है पर्सन में भी, ये ज्यादा इमोशनल है और ये अपने ओपनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाला और ओपन हार्टेड व्यक्ति है। लेकिन इस में जो दूसरा व्यक्ति है वो उतना ओपनली खुल के सामने नहीं आया और इसी वजह से ये हर्टफुल सिचुएशन बनी है, आई डू थिंक सो। और उसके बाद टावर, टावर के भी यहाँ दो तीन मतलब है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया इस सिचुएशन में, दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे के इमोशंस को हर्ट किया और अल्टीमेटली टावर एनर्जी, टावर एनर्जी मतलब कि ये सिचुएशन क्रम्बल डाउन हुई, ये जो सिचुएशन थी वो खत्म हो गई, क्योंकि इसमें दोनों व्यक्ति इमोशनली हर्ट हो रहे थे और दोनों ही अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। क्वीन ऑफ कप्स माने कि हर्टिंग एंड सैड बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर इमोशनल एक्सचेंज। तो उसके बाद में ये टावर क्रम्बल डाउन हुआ है और ये रिलेशनशिप में जो आपको एब्रप्ट कटआउट फील हुआ है वो इसकी इस वजह से हुआ है। ओके देन देयर इज मैजिशियन, मैजिशियन कार्ड इज लाइक व्हेन नाउ, अब जब ये कनेक्शन जो है खत्म हो चुका है, अब वन और टू ऑफ यू, या तो एक है आप दोनों ही व्यक्ति फिर से रिकनसाइल करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इस रिलेशन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा इसका ये भी कि आप दोनों अपनी अपनी सक्सेस पर काम करना शुरू कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो कनेक्शन है ना ये डिवाइन कनेक्शन है। मतलब आप जो इसका जो आउटकम सोच रहे थे कि लव एंड ऑल दैट, ये इसका आउटकम है नहीं, इस सिचुएशन का जो आउटकम है ना वो मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये जो कनेक्शन है ये आपको ये बताना के लिए, ये जिंदगी में सिखाने के लिए हाउ टू मैनिफेस्ट अ गुड लाइफ फॉर योर सेल्फ, हाउ टू मैनिफेस्ट अबंडेंट प्रॉस्परस लाइफ फॉर योर सेल्फ एंड हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस ऑन योर ओन, ये सिखाने के लिए ये कनेक्शन है। और ये कनेक्शन आपको ये सीखने के बाद में, इस कनेक्शन में पेन पाने के बाद, हर्ट पाने के बाद और ये सीखने के बाद कि अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके बाद में आप या तो एक पर्सन ने, दोनों पर्सन ने, आई डू थिंक दोनों पर्सन ने अपनी अपनी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस में कदम रखा है। दिस इज लाइक एस ऑफ पेंटिकल, सॉलिड न्यू बिगिनिंग। तो ये हर्टफुल साइकिल के खत्म होने के बाद आप दोनों पर्सन्स ने अपनी अपनी लाइफ के किसी अबंडेंट फेज में, यानी गुड सॉलिड और कुछ मटेरियल सक्सेस पाने के अबंडेंट फेज में आप लोगों ने कदम रखा है और ये दोनों की तरफ से है। और इस रिलेशनशिप ने आपको सिखाया है कि कैसे हार्ड सिचुएशन से, टफ सिचुएशन से निकल के फिर से लाइफ में अबंडेंट प्रॉस्परस कैसे फील किया जाता है, ये आप लोगों ने सीखा है इस कनेक्शन से। एंड दिस इज नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये डिफेंस कर रहा है, जैसे ये व्यक्ति है ना बाढ़ लगा के डिफेंस कर रहा है। तो इस वक्त आई डू थिंक आप सेपरेटेड हो, ऑब्वियसली आप सेपरेटेड हो और आप दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी लाइफ में एंटर करने से रोक रहे हो। कारण कि एक दो चीजें हैं, एक तो आप है ना और हर्ट नहीं चाहते अपनी लाइफ में, और अधिक हर्ट नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में, इसलिए आप डिफेंसिव मोड में आ गए हो, डिफेंस मोड में आ गए हो। और दूसरा जो स्टेबिलिटी आपने गेन करी आफ्टर दिस ऑल दिस, ये जो मेंटल स्टेबिलिटी, मैनिफेस्टेशन एबिलिटी आपने जो गेन करी ना, इसी अबंडेंट माइंडसेट को आप अपनी लाइफ में बना के रखना चाहते हो, तो आप अपनी अबंडेंस को डिफेंड कर रहे हो, आप अपनी जो मेंटल स्टेबिलिटी वाला जो टाइम आ गया आपकी लाइफ में आप उसको डिफेंड कर रहे हो, और आप अब और इमोशनल हर्ट नहीं होना चाहते इसलिए आप अपने हार्ट को भी डिफेंड कर रहे हो अब इस रिलेशनशिप में। तो लेकिन जजमेंट, जजमेंट मतलब ये दोनों ही कंडीशन ठीक नहीं है। ये जो कंडीशन है ना कि आप अपने इमोशंस और अपने अपने इमोशंस का जिम्मेदार, या आप अपने इमोशनल इम्बेलेंस का जिम्मेदार आप दूसरे व्यक्ति को ठहरा रहे हो, है ना। तो ये जो कंडीशन आपकी प्रीवियस कंडीशन थी ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पर भी टावर गिरा है।
और टावर जो होता है ये हमेशा मतलब डिवाइन इंटरवेंशन बोलते हैं इसको। डिवाइन इंटरवेंशन मतलब जब चीजें आपकी तरफ से ठीक नहीं हो रही होती, या जब डिवाइन ये फील करता है कि मेरे इंटरवेंशन की यानी मेरे को इसमें अपनी टांग घुसाने की जरूरत है, तब ये डिवाइन इंटरवेंशन है टावर। तो देखो आपने जब ये दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपना इल्जाम लगाना, जिसको बोलते हैं ना दिस पर्सन इज हर्टिंग मी, तरह का आपने जब बिहेव किया, तब भी टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में, और बल्कि दोनों ही व्यक्तियों की लाइफ में, कि डिवाइन ने इस रिलेशनशिप को खत्म किया। क्योंकि आपकी रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग, जो बिल्डिंग थी ना, जो जिसको बोलते हैं अपन फाउंडेशन, फाउंडेशन ही गलत थी। फाउंडेशन क्या थी आपकी, कि आप दोनों एक दूसरे से इमोशनल फुलफिलमेंट मांग रहे हो। मतलब दोनों ही ये चाहते हो कि मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट मिले और मुझे दूसरा व्यक्ति इमोशनल फुलफिलमेंट दे। तो ये जो कंडीशन होती है इसको कोडिपेंडेंसी बोलते हैं। मतलब आप अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आप दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड हो, और यदि दूसरा व्यक्ति वो उस तरह का आपको फुलफिलमेंट नहीं देता इमोशनल, तो आप फिर हर्ट होते हो और फिर आप इस तरह की फीलिंग में आते हो, ये कि मुझे मुझे अकेला छोड़ दिया। इस तरह की जो इमोशनल डिप्रेशन वाली स्थिति में जो आप आते हो ना, ये सभी मेंटल कंडीशंस रॉन्ग कंडीशंस, ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, और जब भी ऐसी कंडीशन में आप फंसते हो, और अगर ये एक डिवाइन कनेक्शन है, अगर मतलब ये जो सिचुएशन है लाइफ की आपको ईश्वर की तरफ से दी गई है सीख देने के लिए, तब तो जरूर से इसमें डिवाइन इंटरवेंशन होता है। मतलब डिवाइन इसमें कूदेगा बीच में, और वो इस फाउंडेशन, ग्रॉम फाउंडेशन के ऊपर जो बनी हुई रिलेशनशिप है इसको ये खत्म करेगा। तो अगर पहली चीज देखिए, पहली चीज तो ये कि आप जो ये सोच रहे हो, चलो यहाँ तक की रीडिंग को मैं एक बार वाइंड अप कर देती हूँ। आप जो ये सोच रहे हो ना अभी तक, जिस वजह से आप ये रीडिंग को देख रहे हो कि मैं, मुझे हर्ट किया गया है, मैं दुखी हूँ, है ना, और मेरी फीलिंग्स या मेरे इमोशंस के साथ में खिलवाड़ हुआ है, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, इसमें उस पर्सन इन्वॉल्व की ही गलती थी। तो एक चीज तो यह है कि आप जो सोच रहे हो ना, यही आपका पर्सन भी सोच रहा है। आप हर्टफुल हो, आपका पर्सन भी हर्टफुल है। आप दुखी हो तो आपका पर्सन भी दुखी है इसके अंदर। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने, उन्होंने आपको लेफ्ट किया है, लेकिन ऐसा वो भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये म्यूचुअल कनेक्शन है, म्यूचुअल फीलिंग है, वन थिंग। सेकेंड थिंग अब तक की रीडिंग की ये है कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ये रिलेशन आपको इसलिए दिया गया ताकि आपको पेन मिले, आपको हर्ट मिले। ये रिलेशन आपको डिवाइन की तरफ से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सीख देने के लिए मिला है। ये रिलेशनशिप पर डिवाइन की पूरी नजर है, और ये रिलेशनशिप का जो बेसिक यानी जो फाउंडेशन था वो कमजोर था। इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन ये था कि आप एक दूसरे से इमोशनल फुलफिलमेंट चाह रहे थे, और आप देने मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट देने के मोड से ज्यादा लेने के मोड में थे, यानी आप लैक मेंटेलिटी में ऑपरेट कर रहे थे। यानी आपके पास ऑलरेडी प्रेम की, आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, इस वजह से आप दूसरे से प्रेम की उम्मीद कर रहे थे, और इस वजह से आप इमोशनल एम्प्टीनेस फील कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। और आप ही नहीं कर रहे थे ऐसा, तो आपका पर्सन वो भी कर रहा था, और इमोशनल हर्ट आपको इसमें मिला है। और न सिर्फ आपको मिला है, ये म्यूचुअली आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ऐसा किया है कि आपने एक दूसरे को म्यूचुअल हर्ट किया है, और इस वजह से जो डिवाइन ने इस रिलेशनशिप पे टावर गिराया है, यानी इस रिलेशनशिप के खत्म होने में नहीं 100% आपका योगदान है, नहीं 100% जो भी पर्सन आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसका योगदान है, ये हुआ है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। और इसके होने के बाद में या तो ऐसा हुआ है, या ऐसा हो रहा है, और या ऐसा होगा कि आप जिंदगी में अपनी कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलना सीखोगे। आप कोडिपेंडेंट हो, आपने अगर कोडिपेंडेंसी क्या होता नहीं जानते हो तो आपको थोड़ा गूगल कर लीजिए। और मैं इसमें मुझे ऐसा भी फील होता है कि इसमें एक व्यक्ति जो था वो कोडिपेंडेंट है, और एक व्यक्ति ना जिसको कोवर्ट नार्सिसिस्ट बोलते हैं, ये क्या चीज होती है अब थोड़ा सा आपको गूगल करना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ पर पूरा वो लेक्चर हो जाएगा। तो एक व्यक्ति इसके अंदर इमोशनली कोडिपेंडेंट है, और एक व्यक्ति इसमें कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, और इस वजह से ये यहाँ पर इसका कार्ड भी आया है, कोवर्ट नार्सिसिस्ट का ये कार्ड है। तो कोवर्ट नार्सिसिज्म जो है उसकी वजह से
मतलब ईगो भी इसमें प्ले करता है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट का मतलब जो व्यक्ति है ना ईगो और प्राइड में ज्यादा ऑपरेट करता है और दूसरे की इमोशंस को नहीं समझने की कोशिश करता है, जिसके जो थोड़ा इमोशनली स्ट्रक होता है, जो इमोशनली थोड़ा सा प्राइडफुल नेचर वाला होता है, वो उसको प्रेम चाहिए तो है लेकिन वो प्रेम देना नहीं चाहता, उसको बोलते हैं मतलब कोवर्ट नार्सिसिस्ट। और जो कोडिपेंडेंट पर्सन होता है ना रिलेशनशिप में, वो एक्स्ट्रा गिविंग होता है, ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा प्रेम देना, जरूरत से ज्यादा अटेंशन देना इस तरह की, और फिर बदले में उसको चाहिए भी होता उतना ही प्रेम, उतना ही अटेंशन उस व्यक्ति को चाहिए भी होता, और फिर जब उसको नहीं मिलता है तो फिर वो हर्ट फील करता है। तो ये जो रिलेशनशिप है ना जिसकी हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप एक मेंटल इलनेस या मेंटली पुअर जो कंडीशन है उन दो लोगों के बीच का कनेक्शन है। इसमें एक व्यक्ति तो है इमोशनली कोडिपेंडेंट और दूसरा व्यक्ति है इसके अंदर कोवर्ट नार्सिसिस्ट, ठीक है। तो क्योंकि ये जो रिलेशनशिप बना है उसमें बेस ही गलत हो गया, क्योंकि जो कोडिपेंडेंट पर्सन है उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं और जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है उसकी एक्सपेक्टेशन अलग है। तो इस कंडीशन में क्या ये बिल्कुल इसको तो क्रम्बल होना ही होना था, इस रिलेशनशिप को क्रम्बल होना ही होना था। तो ये रिलेशनशिप क्या सिखाएगा और मतलब ये रिलेशनशिप ने आपको क्या दिया? पहला तो मैनिफेस्ट मैजिशियन, एक तो आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा इस रिलेशनशिप के बाद में, आप में और आपके पर्सन में दोनों में बहुत जबरदस्त बदलाव आएगा आपकी लाइफ में, कारण कि ये रिलेशनशिप बहुत ही डिवाइन, बहुत ही सेक्रेड रिलेशनशिप है ये, बहुत पवित्र जिसको बोलते हैं सोल कनेक्शन है, बहुत डीप, बहुत पवित्र, बहुत सेक्रेड ये कनेक्शन रहा है। तो आप ये तो बिल्कुल भी आप मत सोचिए कि कोई ये मतलब आए राम गए राम टाइप का रिलेशनशिप है कि भाई और ठीक है ये नहीं और नहीं और सही और नहीं और सही, इस टाइप का तो ये रिलेशन नहीं है। ये बहुत सोच विचार के ये रिलेशन आपकी लाइफ में आया है और डिवाइन ने आपको दिया है और ये इसके लिए दिया है। मैजिशियन मतलब कंप्लीट चेंज, और ये कार्ड भी यहाँ पर आया है डेथ कार्ड, मतलब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो रिलेशनशिप है ना जिससे आप अभी हर्टफुल फील करो, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला रिलेशनशिप है। एक तो जो उसमें कोवर्ट नार्सिसिस्ट है ये व्यक्ति अभी नहीं तो भले ही फ्यूचर में, लेकिन वो ये व्यक्ति को अपनी कैरेक्टर की कमजोरियां पता चलेंगी, इसको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से अब सेल्फिश मोड में रहता हूँ, मैं कैसे लोगों को अपने सेल्फिश मोड की वजह से हर्ट करता हूँ। तो ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो है ना ये सोबर होगा, सोबर मतलब अपनी इस कमजोरी को विन करेगा, और जो इसमें जो कोडिपेंडेंट पर्सन है इमोशनली हर्ट जो ज्यादा होता है वो पर्सन भी इसके अंदर इमोशनली ग्रो होगा, मैच्योर होगा, उसके इमोशंस ग्राउंडेड होंगे और वो थोड़ा मतलब अपनी स्टैंड अपने ग्राउंड पर खड़ा होने की स्थिति में आएगा। ये जो किंग ऑफ पेंटेकल्स है ना ये यही है, मतलब सॉलिड समथिंग वेरी सॉलिड। तो अब जो ये बनकर आएंगे ना, और पेज ऑफ पेंटेकल्स भी अगेन वही है, सॉलिड बिगिनिंग, और फिर ये भी यही है नाइट ऑफ वांड्स, मतलब उस चीज को बचाना जो आपने बनाया है। तो ये तो हुआ बनाने का कार्ड, मैनिफेस्टेशन, कुछ नया बनेगा आपकी लाइफ में, और जो नया बनेगा वो कैसा होगा, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत सॉलिड, ये दोनों कार्ड इस चीज के हैं। और बनने के बाद एक बार अगर आपने अपना ये जो चेंज कर लिया ना, इसके बाद ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, आप खुद अपनी इस नए नेचर की ना आप रक्षा करोगे, डिफेंस करोगे, कारण क्योंकि आपको खुद इस मैनिफेस्टेशन के बाद आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा, आपको खुद फील होगा कि अरे मैं पहले कैसा था या कैसी थी, और पहले मैंने कैसे गलतियां करी रिलेशनशिप में, कैसे मैंने चाइल्डिश बिहेवियर किया, कैसे मैंने फूलिश बिहेवियर किया, और कैसे मैं इमेच्योर नॉन सिंसियर बिहेवियर किया। तो अगर आप कोडिपेंडेंट हो गए तो अपनी कोडिपेंडेंसी से फ्री हो गया, और अगर आप कोवर्ट नार्सिसिस्ट हो गए ना तो भी आप, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट पर्सन होता है ना वो नार्सिसिज्म इज अ काइंड ऑफ अ मेंटल कंडीशन, तो उसका ठीक होना तो बहुत मुश्किल है, मतलब वो तो इनबिल्ट नेचर होता है, लेकिन कोवर्ट नार्सिसिस्ट ये है कि उसके सुधरने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट पर्सन होगा वो भी सुधरेगा, और जो कोडिपेंडेंट पर्सन होगा वो भी सुधरेगा, और सुधरने के बाद वो जो अपनी नया नेचर जो वो बनाएंगे ना उसको डिफेंड करेंगे, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वापस से अपने पुराने वाले नेचर में नहीं जाएंगे, ना तो नार्सिसिज्म में जाएंगे ना वो कोडिपेंडेंसी में जाएंगे, इस तरह का ये रिलेशनशिप, इसलिए ये रिलेशनशिप आपको दिया गया है।
और जजमेंट, मतलब जब आप इस चीज को समझ जाएंगे कि ये रिलेशनशिप आपको क्यों मिला, जो मैंने अभी आपको बताया, आपके कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए न्यू बर्थ, जजमेंट न्यू बर्थ भी होता है, जब आप न्यू बर्थ में एंटर कर जाओगे, मतलब आप जब बिल्कुल वैसे हो जाओगे जैसा डिवाइन आपसे चाहता है, जैसा डिवाइन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैसा आपको होने के लिए ये रिलेशनशिप दिया गया है, जब आप पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाओगे ना, तब दिस 10 of cups, मतलब यू विल गेट एवरीथिंग, इमोशनल फुलफिलमेंट, मेंटल फुलफिलमेंट, और आपका मटेरियल फुलफिलमेंट, फैमिली, लाइफ पार्टनर, हैप्पी हैप्पी लाइफ, जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपके लिए यहाँ डिवाइन ने रख रखा है। पर पहले आपको अपनी लाइफ का जो लेसन है ना, ये लेसन सीखना पड़ेगा। ये तो आपके हो गए ओवरऑल स्टोरी हो गई आपकी, कि भाई आपको, मेरे को लगता है आपका जो क्वेश्चन का जवाब था वो आपको मिल गया होगा, व्हाई आई एम फीलिंग हर्ट, व्हाई दिस पर्सन डिड टू मी, और अब मैं इस कंडीशन से कैसे बाहर आऊं, क्या बाहर आऊं। मुझे लगता है ये बहुत क्लियर कट आपको मिल चुका है। अब देखिए इसके बाद में ये, और ये तरीका भी बता रहे, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्लैरिटी का कार्ड है, जो मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ तक की सिचुएशन अगर आप समझ गए ना, तो आपके आपको मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको अब समझ में आ गया है, जो आप गलत गलत कयास लगा रहे होंगे ना कि कहीं ये तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं वैसा तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, ये हुआ है, ये जो सारी सिचुएशन मैंने अभी आपको बताई है, ये सब कुछ हुआ है, यही क्लियर बात है, यही असली बात है, यही बेसिक बात है। और एनलाइटनमेंट मतलब जो अभी आपको पता चला है यहाँ इस वक्त इस रीडिंग में, जो आपको पता चला है, यही ज्ञान है जिसको आपको पाने की जरूरत थी। ये एनलाइटनमेंट आपकी लाइफ में अब मतलब अगर आपने रीडिंग देखी है और आपसे रेजोनेट हुई है ना, तो यू अब आप और ज्यादा मतलब मतलब डिस्टर्ब नहीं हो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि सही सही जो कारण था आपकी रिलेशनशिप के खराब होने का, वो यही सही कारण, ये एनलाइटनमेंट, ये नॉलेज आपको इस रीडिंग से मिलेगी। और देखिए अब क्या करना है आपको, अब आपको है ना कम्युनिकेशन पर काम करना, आपका कम्युनिकेशन सुधारना है। अगर ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में है, मतलब अभी ऐसी स्थिति है कि आप इससे अप्रोच बना सकते हो, या आप उसको पहुंच सकते हो, या आप उससे बात कर सकते हो, तो पहली चीज तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पर्सन मुझसे बात करने को रेडी होगा नहीं होगा, या ये मुझ पे गुस्सा होगा एंग्री होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आप सोच रहे हो ना, वैसा ये व्यक्ति भी सोच रहा है, तो आपको दोनों को ही गुड कम्युनिकेशन की जरूरत है, मतलब सही और गुड कम्युनिकेशन की जरूरत है। और अगर आप अभी ये कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हो, इट्स ओके, पहले आप अपने इमोशंस पर काबू लाइए, पहले आप अपने जो भी आपका चेंज करने की जरूरत है ना, आपको अपने बिहेवियर में जो मैनिफेस्ट करने की जरूरत, पहले आप ऐसा स्टेबल ग्राउंडेड इस तरह की एनर्जी में भले आ जाइए, आप ऐसी स्टेबल स्थिति में जब आप आ जाओगे, उसके बाद में या तो कम्युनिकेशन की स्थिति बनेगी, या आपको कम्युनिकेशन इस व्यक्ति की तरफ से मिलेगा, या आप खुद कम्युनिकेट करोगे, लेकिन इसके बाद ही कोई ढंग का कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ये सारे चेंजेस होने के बाद ही और कोई ढंग का कम्युनिकेशन, स्टेबल कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ये इस रीडिंग में लिखा है। और अब जब कम्युनिकेशन होगा, तो अब जब कम्युनिकेशन होगा ना, ये दोनों ही चीजें नहीं होगी ना, तो मेंटल मतलब ना तो आपके बीच में झगड़ा फसाद होगा, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि आप दोनों ही ग्राउंडेड स्टेबल हो चुके होंगे, आप बदल चुके होंगे, और ना ये सिचुएशन होगी मतलब कि एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे को हर्ट करना, अब ये सिचुएशन भी नहीं होगी। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि डेथ कार्ड आया है। डेथ कार्ड मतलब ये जो दोनों जो कंडीशन थी ना, ये हर्टिंग वाली और लड़ाई झगड़े वाली, ये कंडीशन ओवर हो जाएंगी आपकी लाइफ में। डेथ हो गई मतलब ओवर हो जाएंगी ये कंडीशन। क्यों ओवर हो जाएंगी, क्योंकि आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाओगे, ठीक तरीके से आप अपनी बात कह पाओगे, और सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुन पाएगा, समझ पाएगा, और वो जो बात कहेगा ना, वो आप भी उस बात को सुन और समझ पाओगे। कब? जब डिवाइन आपसे जो चाहता है, अपने को डिपेंडेंट नेचर को ठीक करना, अपने नार्सिसिस्टिक नेचर को ठीक करना, जब आप ये कर लोगे, उसके बाद में आपके बीच में कम्युनिकेशन ठीक होगा, और उसके बाद में ये लड़ाई झगड़े और पेन की जो स्थिति बनी थी, ये ना बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि व्हाई आई एम फीलिंग हर्ट, व्हाई दिस पर्सन बिहेव्ड इन द वे, इन द मैनर ही और शी बिहेव्ड, और इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे और इसका
इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। आई डू थिंक कि आपको अपना बिल्कुल अच्छे से आंसर मिल गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।